तब आपकी गाड़ी वहाँ ट्रांसफर हो जाएगी बगैर सेकंड ओनरशिप के। भैया का मैं बहुत चिढ़ता हूँ, गोवा हो गया, गोवा है ना। भैया भी गोवा को निकले थे, करोल बाग आ गया। इस एरिया की कभी कायाकल्प कर देंगे। क्या बात है, देख लो मैं कह रहा था, बंदा जरूर बोलेगा। कोई भाई सिंगल वायर भी कटनी होगी, आप मुझसे कई बार पूछते हो भाई। अभी इसके अपना फ्रंट लुक थोड़ा सा चेंज करेंगे। AMG के अलॉयज तो हमने पहले से डलवा रखे थे गाड़ी में। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल में से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज एंजॉयमेंट होगी भाई अपनी मर्सिडीज की। तो भाई आज हम इसकी मॉडिफिकेशन कराने जा रहे हैं। भाई कहां पे जाएंगे भाई? करोल बाग जाएंगे, ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम कवल भैया के पास। तो भाई हो चुका है दोपहर का टाइम, मैं निकल गया हूँ घर से। सुबह सुबह निकलने का मन था, लेकिन मेरे को ये था कि यार वहां पहुंचने के बाद ना तो मेरे को रात होती है। वैसे भी मेरी आदत है ना दुकान बढ़ाकर निकलने की, और बहुत दिन हो गए मैं भाई के वहां गया नहीं हूँ, काफी दिन हो गए, मौका नहीं लग पा रहा। क्योंकि अपनी स्कॉर्पियो तो पानीपत गई हुई है, क्योंकि अपने पास ये वाली गाड़ी है। तो पहले इसके मोटिवेशन कम्प्लीट करेंगे, फिर अपन अपनी स्कॉर्पियो के करवाएंगे, है ना। तो पहले इसमें कराते हैं आज काम, एंड इसमें आज क्या काम होगा वो तो आपको वहां चल के पता लग ही जाएगा हम इसके अंदर क्या क्या चीज करेंगे। वैसे भाई इस गाड़ी को ऑलमोस्ट आपको पता ही है 8 साल हो गए, और गाड़ी के अंदर आप टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते रहते हो ना, तो उसके अंदर ना आपका ना लगाव बना रहता है गाड़ी के साथ। कभी कुछ टायर चेंज कर दिए, कभी अलॉयज का डिजाइन पैटर्न चेंज कर दिया, जैसे इसके अंदर अलॉयज दूसरे थे, फिर हमने इसके अंदर AMG के अलॉयज डाल दिए थे तो वहां से चेंज हो गया। अब जैसे फ्रंट लुक है, फ्रंट लुक में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा तो और थोड़ा सा नई सी लगने लगेगी। एंड आप लोग पूछोगे कि विक्रम भाई इतना खर्चा क्यों कर रहे हो गाड़ी पे काम काम में, जब गाड़ी को तो 2 साल ही बच गए, 2 साल बाद तो आपको बदलनी पड़ेगी। नहीं भाई ऐसे नहीं बदलेंगे, इस गाड़ी को तो हम भाई पूरा चलाएंगे कम्प्लीटली, जितने साल ना गाड़ी का पूरा उतना चलाएंगे, क्योंकि ये गाड़ी भाई दिल्ली NCR में रजिस्टर्ड ही नहीं है। जी हाँ, अगर आपकी गाड़ी भाई दिल्ली NCR में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपनी गाड़ी को ज्यादा लंबे समय तक चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपनी गाड़ी को दिल्ली NCR में ले आओगे, लेकिन जहां पे रजिस्टर्ड है मतलब दिल्ली NCR से बाहर तो आप चलाओगे चलाओगे मत समझे, ऑल ओवर इंडिया जहां मर्जी लेके जाओ वहां कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में नहीं लेके आनी भाई आपको डीजल वाली गाड़ी 10 साल, और मैं 15 साल अपने पेट्रोल के लिए। तो ये तो भाई हर गाड़ी के ऊपर लागू है। अगर आपकी भी गाड़ी आपको पसंद है और आप चाहते हैं यार मैं इसको रिटेन करना चाहता हूं, तो फॉर्म नंबर 33 लगता है, फॉर्म नंबर 33 लगता है, आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा, गाड़ी आपके नाम ही रहेगी, ओनरशिप भी उसकी फर्स्ट ही रहेगी, ओनरशिप चेंज नहीं होगी, खाली आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो और आपको ये लगता है कि गाड़ी मेरे को रखनी है और मैं दूसरे शहर में अपने, या कोई आपका रिलेटिव रहता है या कोई आपका काम है वहां पे, मैं वहां उस गाड़ी को चला सकता हूँ, मेरे को रखनी है गाड़ी, तो आप अपना एड्रेस चेंज करा लो वहां से, तो आपका हो जाएगा। स्टेट टू स्टेट का बताया ये मैंने। अगर दूसरे स्टेट में, अगर आपकी गाड़ी दिल्ली नंबर है और आपको फिर करानी है हरियाणा में, हिमाचल में या पंजाब में, कहीं भी करानी है, तो फिर आपको NOC लेके कराना पड़ेगा। अगर आप हरियाणा के ही हो और आपको NCR से बाहर अपना एड्रेस चेंज कराना है तो उसमें आपका खाली फॉर्म नंबर 33 लगेगा, एंड जहां का आप एड्रेस करवा रहे हो वहां का लगेगा आधार कार्ड आपका, ये चीज, या फिर प्रॉपर एक ID प्रूफ होना चाहिए आपका कि हाँ आप वहां के बाशिंदे हो, तब आपकी गाड़ी वहां ट्रांसफर हो जाएगी बगैर सेकंड ओनरशिप के। पैर में आने का ये फायदा तो होगा कि अपने को ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिल रहा भाई दिल्ली में, और देखो वापसी के टाइम पे तो अपने को ट्रैफिक मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस टाइम तो बस ये होता ना काम होने की खुशी इतनी ज्यादा हो जाती है कि भाई फिर नहीं पता लगता कि ट्रैफिक है या नहीं। और वैसे भी जाते टाइम तो भाई रात ही हो जाएगी, एंड रात को तो भाई वही है 9-10 बजे जो ट्रैफिक लगभग ऑफिस वाला होता है वो निकल ही जाएगा। चलो ये तो रेड सिग्नल का है भाई, ट्रैफिक सिग्नल का है, ये वैसे जाम नहीं है। और भाई मोस्टली लग्जरी कार्स में भाई ये दे रखा होता है स्पीड लिमिटर, तो बहुत सी कंपनी भाई स्पीड लिमिटर देने लग गए हैं, तो भाई इसका यूज आपको करना चाहिए, अपना लिमिट सेट कर दो, उसके बाद ना आपको चलान का डर रहेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जो लिमिट सेट होगी भाई दिल्ली में जब आप चल रहे हो, चंडीगढ़ में जब चल रहे हो, या जिस भी शहर में आप चल रहे हो ना जहाँ पे स्पीड लिमिट सेट है, उससे ऊपर गाड़ी जाएगी नहीं तो आपका चलान होगा नहीं, है ना। आप यूज करते हो स्पीड लिमिटर कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को कि हाँ विक्रम भाई हम यूज करते हैं, और जो नहीं यूज करते वही बता देना, और जिनको यही भी नहीं पता था कि स्पीड लिमिटर में हम यूज करना है नहीं करना वो भी बता देना। और आज हो गया कमाल, यहाँ ट्रैफिक है वो कमाल नहीं है, यहाँ तो ट्रैफिक मिलना ही मिलना था भाई, मैं पहुंच गया पूरे आधे घंटे में गुड़गांव से करोल बाग, ये कमाल हो गया। तो मेरे को ये टाइम ना सही लगा कि आप ना लंच टाइम में आओ, दोपहर के टाइम पे आओ, पूरी सड़कें खाली मिलेंगी, वीकडे की बात कर रहा हूँ ये मैं, बाकी या तो सुबह सुबह आओ, करोल बाग आने का सबसे बड़ा टाइम तो सुबह सुबह है, क्योंकि जब आपको ज्यादा ही काम करना, पूरी गाड़ी का 0-100 करना हो ना, और जब आपको स्पेसिफिक काम कराना, ये कराना ये कराना ये कराना है, तो और आपने बता रखा हो भैया को, तो तब आप दोपहर को भी आ सकते हो, दुकान साथ में बढ़वा के जाना पड़ेगा फिर, इतना तो करना पड़ेगा, है ना। एंड भाई आप सबने शायद गौर किया ना किया है, कमेंट भी कर दिया होगा अब तक कि भाई मैंने जो शर्ट पहन रखी है बड़ी गोवा स्टाइल लग रही है ना भाई, मैंने गोवा के लिहाज से ना बहुत सारी प्लानिंग करी थी, अभी अपना गोवा का प्लान बन रहा था, तो भाई अपने गोवा का प्लान तो अभी ड्रॉप कर दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है वहां पे, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी आई है, तो अपन अब गोवा नहीं जा रहे हैं। आपको पता है अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी निकल जाएंगे बस 2-4 दिन में,
बेटे को देखे कोई और बोले ना बोले, जाकर जरूर बोलेगा, वो भी अपनी BMW लेके आया है ना, वो जरूर बोलेगा। बाकी देखते हैं और भाई क्या बोलते हैं, बाकी आप बताना भाई कमेंट बॉक्स में कैसी लग रही मेरी ये शर्ट। भाई जाकर तो अपनी गाड़ी में भी बिजी हो रखा है, मैं कह रहा था ना कोई ना कोई तो मेरे को घुसते ना बोलेगा कि शर्ट कैसे लग गया, क्या है बहुत ही बढ़िया। भैया बहुत चढ़ता हूँ, भैया भी गोवा को निकले थे आज, कुरल भाग आ गया। तो भाई मैंने बताया तो था यार अभी, यार मैं तो गोवा के लिए ये सारी आउटफिट मैंने लिए थे, तो गोवा अपना हम डिले करेंगे पर जाएंगे जरूर, इस साल जरूर जाऊंगा गोवा में। चलोगे ना मैं? नहीं बाय रोड चलेंगे, चलोगे ना मेरे साथ? अरे आ गया, मैं बाय आ जाऊंगा, मैं सरप्राइज सरप्राइज। क्या बात है, अभी यहाँ पे स्विफ्ट लगी हुई है एंड थार लगी हुई, थार में तो खैर अभी टाइम लगा, स्विफ्ट अभी कंप्लीट हो जाएगी तब अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये जनाब बैठे क्वालिटी चेक करने जुड़ती नहीं, ये तो R&D है ना इस सीरीज के भाई साहब, डिलीवरी मेरे सामने इतना चेक करनी होती है, मेरी ड्यूटी लगाई थी, ड्यूटी लगाई थी, कमीशन का आपका आ गया होगा कमीशन, तो मैगडी खिलाया ना आपने इसको आज नहीं खिलाया। तो भाई अपने भाई आ गए जिन्होंने अपनी नैनो के अंदर भाई फिट किया था 360 डिग्री, भाई मस्त चल रहा है, एक नंबर का, और यार मजा आ गया उसमें देख के। तो भाई अभी का इंटीरियर ये देख लो ऐसा है, अभी थोड़ी देर में टोटल कितना टाइम लगेगा अपने को इसमें? सर वैसे तो 1.5 घंटा लगता है लेकिन 2 घंटे मान के चलो, 2 घंटे मान के चले। तो भाई आने वाले 2 घंटे के अंदर खैर आपको तो इसी वीडियो में पता लग जाएगा इस एरिया की अभी कायाकल्प कर देंगे। भाई अभी हम आ गए भाई टुक टुक में, तो भाई अभी हम जा रहे हैं एक बार झंडे वाला मार्केट जहाँ से मैंने एक लवे की ये स्कूटी ली थी, तो इस स्कूटर को ना चेंज कराना है, इसका स्टैंड थोड़ा सा वो निकल गया, लवे भी मेरी तरह ही है ना, उसको भी कुछ ना कुछ छेड़खानी करते रहना है, तो भाई इसको एक बार एक्सचेंज करा लेते हैं, तो कहता पापा इसका कलर भी चेंज करा लाना, तो चलते हैं। चिन भाई का ये टुक टुक है भाई साहब, बड़ा ईमानदार आदमी, पहली बार मैंने ऐसे सुना है कि भाई दिल्ली में यहाँ से वहां तक जाने किसी ने सिर्फ 50 रुपए मांगे। भाई भाई का ऑटो नंबर देखो ये है 3464। भाई नाम क्या आपका? भाई बड़ा ईमानदार आदमी मोहम्मद असीर भाई। भाई इस भाई के ऑटो में अगर आप दिल्ली में ट्रैवल करो ना, बड़े ईमानदारी के पैसे लेता है भाई, बहुत सालों बाद भाई एक ऐसा ईमानदार आदमी टकराया है, बहुत बढ़िया भाई। तो भाई अपना काम बहुत बढ़िया होगा भाई, दुकानदार आज का दिन ना बहुत बढ़िया है भाई, है कि मतलब पहले अपने को ऑटो वाला भाई भी बहुत बढ़िया मिला, अब अपने को दुकानदार भी बहुत बढ़िया मिला, जाते भाई साहब ये कहा ही नहीं उसने एक बार भी कि ना आप ना एक्सचेंज नहीं करूंगा, ये नहीं करना ना भाई साहब, आप ये रख दो हम अपने आप देख लेंगे, आप दूसरी ले जाओ। वाह भाई वाह, हैं देखा भाई शिवम भाई ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं। देख शिवम भाई खुश हो गए, शिवम भाई ने भी ये गिफ्ट ले लिया, बताओ यार है। तो अभी हम एक बार फिर वैसा ही भाई अगर हमारे को मिल जाता यार, हमने उसका नंबर लेके रखना चाहिए था है ना, उसी ऑटो में वापस जाते हैं, हमारे पैसे बच जाते हैं। भाई ये दिल्ली की झंडे वाला साइकिल मार्केट है, और ये महाराज दिल्ली में रहते हैं और इनको पता ही नहीं है कि दिल्ली में ये मार्केट है। भाई अपना वहाँ से स्क्रीन निकल चुकी है, स्क्रीन कहाँ है ये? अरे ये तो लगेगी भाई, ये वाली निकली अभी इसमें से, ये छोटी सी स्क्रीन भाई इसके अंदर लगी हुई थी, एंड भाई अब हमारी गाड़ी में लगेगी ये वाली स्क्रीन है, पूरी देख रहे हो बिल्कुल फिट एंड फिनिश है भाई। ये स्क्रीन जो अपनी लग रही है हाइपरसोनिक की, एंड इसमें हमारी सारी चीजें वर्क करेंगी, एंड जो वायर वगैरह जितनी भी हैं सारी हमारी A to Z, कोई भाई सिंगल वायर भी कट नहीं होगी। आप मुझसे कई बार पूछते हो कि विक्रम भाई हम गाड़ी के अंदर एक्सेसरीज लगवाते हैं क्या हमारी उससे वारंटी वायर होती है? जब तक आप कोई भी गाड़ी की वायर काटोगे नहीं, छीलोगे नहीं, पील नहीं करोगे, तब तक आपकी गाड़ी की वारंटी बनी रहेगी। और इसमें देखो अभी इसका फ्रेम लगने जा रहा है, ये ऐसे इसका फ्रेम फिट होगा, एंड देन उसके बाद जितनी भी वायर है उसको हमने कपलर से कपलर में लिया है। अब एक वायरिंग इस सिस्टम की है वो इससे इसमें लगेगी, मतलब आपस में सारा कनेक्ट हो जाएगा कपलर से, एंड एक बार रेडी होने दो फिर तसल्ली से आपको दिखाते हैं। गाड़ी के अंदर का काम तो अभी हो गया, वो आपको दिखाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा कौन कौन सी चीज कैसे कैसे कर रही है, एंड अभी हमारी बारी है बैक कैमरा की, तो यहाँ पे भाई बैक कैमरे की जगह दे रखी है। भाई अपना गाड़ी का अंदर का काम तो चल ही रहा है, अभी पीछे अपना कैमरा काम चल रहा है, अभी इसकी अंदर की लुक तो चेंज होगी पर बाहर की लुक भी तो चेंज करनी है। क्या बनाओगे बाहर से? कन्वर्ट कर देंगे नई वाली में। मेरे को लगा से कुछ और ही बना दूंगा इसको मैं। है? भाई अभी इसके अपना फ्रंट लुक थोड़ा सा चेंज करेंगे, अभी भाई ये फ्रंट वाला बम्पर खोलेंगे, एंड देन फिर जो खुल के क्या लगेगा वो आपको बता देता हूँ। तो भाई ग्रिल अपनी उतर गई है, एंड भाई उसमें से अपना लोगो निकाला जा रहा है, जो मर्सिडीज का सेंटर में लोगो लगता है इस पे, तो ग्रिल अपनी दिखा दूं, बस इतनी झलक देख लो, बाकी पूरी रेडी होने पे दिखाऊंगा। तो भाई मेन जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए थे भाई वो काम अपना कम्प्लीट हो गया, एंड अब आपको दिखाऊंगा, आपको विक्रम भाई स्वाद आ गया, अभी दिखाऊं। ये देखो पहले कैसी स्क्रीन थी और अब कैसी स्क्रीन है, एंड अभी देखो भाई इसके सारे फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस है अपनी गाड़ी के, ये देखो ये जो अपना डायल था
इस डायल से ये सारे फंक्शन काम कर रहे हैं। अच्छे वाला वो वाला खुला है तो इस पे दरवाजा वो खुला हुआ गया, बंद हो गया तो कार डोर क्लोज। यहाँ पे स्पीड दिखाएगा, ठीक है। फिर ये वीडियोस हो गया। अच्छा, जेड लिंक आपका वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले हो गया दोनों। ये एंटी जी मोड जो है ओरिजिनल है आपका, यहाँ पे ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है आपके। अच्छा, अब ये टच में भी आ गया। अच्छा, एंटी जी अपना इसी से ही चलेगा? इसी से ही चलेगा। ओके, इसको आप फुल स्क्रीन पे भी कर सकते हो। अच्छा, ऑप्शन है वो। ओके, इसको फुल स्क्रीन पे करना है तो वो भी हो, ठीक है। तो भाई जो अपना एंटी जी मतलब जो ये ओरिजिनल यूजर इंटरफेस था जो इसका मर्सिडीज का, वो एज इट इज है, वही सारी चीजें काम कर रही है भाई अपनी। अरे ऑपरेट आ जाएगा भाई हमारा, एंड वो सारी चीज इसी से ही काम करेंगे, वही सारे बटन ऐसे काम करेंगे। फिर हमारे को इससे नॉर्मल में जाना है तो कहीं भी टैप कर दें, कहीं भी टैप कर दो। और आपको इस एंड्रॉइड का ऑडियो सुनना है तो आपको डालना है इसको ऑक्स मोड पे। अच्छा, जस्ट ऑक्स मोड डालो और बाहर आ जाओ। ओके, म्यूजिक चलाओ, ऑडियो चलाओ, वीडियो चलाओ, जो मर्जी चलाए, जो मर्जी चलाओ, वो ऐसे होएगा यार। बड़ा सिंपल सा यूजर इंटरफेस है, कोई ऐसा मतलब रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। ये अपना नेविगेशन ऑन हो जाएगा इससे, है ना। फिर दरवाजा किसी ने खोल दिया, ये नोटिफिकेशन आप बंद चालू भी कर सकते हो। अच्छा, दरवाजे वाली ये कैसे करेंगे? अगर इसको आप बंद करना है, आपको नहीं चाहिए दरवाजे की इन्फॉर्मेशन, हाँ हाँ, तो आपको यहाँ पे फैक्ट्री सेटिंग में जाना है। हाँ हाँ, और फैक्ट्री सेटिंग में ऑप्शन आता है यहाँ पे डोर शटर डिस्प्ले, ये डिसेबल कर दो, जो भी खोलो नहीं दिखाएगा। ठीक है, नहीं हम तो अनेबल करेंगे, पता लग जाएगा ना बार बार। भाई चीज लगवाई तो उसका फीचर्स का पता होना चाहिए ना, दिखना चाहिए ना। हाँ, ये चीज लगवाई है, ऐसा खर्चा हमने गाड़ी के ऊपर। एसी चलाएंगे, एसी दिखाएगा आपको। अच्छा, सेम मतलब जो जैसे हमारे पहले वाली स्क्रीन में दिखाता था, सेम एज इट इज है नीचे सारा, मतलब जो भी चीज है। अच्छा, ब्राउजर भी इसमें अपना है सर, आप यहाँ पे आइए आइकन्स पे। अच्छा, इस पे चले गए, ये भी जोस्टिक से आ सकते हो, क्रोम ब्राउजर वगैरह सब है इसके अंदर। भाई जब टच लगवाया तो टच ही करेंगे ना, कंफर्टेबल फील करा रहा हूं। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नेटफ्लिक्स वगैरह सब चलेगा अपने इसमें, फोटो, वाह भाई वाह, यूट्यूब वगैरह सब मिलेगा। अच्छा, हमें इसको नेट देना हो तो हम इसको यहाँ से वाईफाई दे सकते हैं, मोबाइल हॉटस्पॉट से। आप मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करो, इसका वाईफाई। अच्छा, जैसे आप कनेक्ट करोगे इसके अंदर इंटरनेट आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा, इसमें सिम लगाओ, यहाँ से सिम लग जाती है। अच्छा, सिम ट्रे, हाँ जैक मैंने देखा था, सेम अपना सिम लग जाती है, एंड सिम से अपना परमानेंट नेट लेके चलेगा, नेट चलता रहेगा। इससे उसे बेनिफिट ये मिलेगा कार प्ले के टाइम पे आपको, क्योंकि कार प्ले के टाइम पे आपको वाईफाई और ब्लूटूथ चाहिए होता है। ओके, इंटरनेट देने के लिए आप हॉटस्पॉट ऑन करोगे तो दोनों क्रैश करेंगे आपस में। और अगर हमारे को वायर्ड कनेक्ट करना हो इसको एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले, तो इसके साथ में दो केबल्स दिए आपको, एक एरी एक एरी। अच्छा यार, यहाँ से केबल लगाओ और इसे बंद कर दो, और इसको बंद कर दो वहाँ पे, ठीक है भाई। एंड भाई ये प्रॉपर ना भाई OEM फिटिंग में ही है, मैंने आपको पहले दिखा दिया था कि ये एक फ्रेम पीछे लगता है, दो स्क्रू इस पे लगते हैं, एंड फिर दो स्क्रू इस पे लगते हैं, एंड पीछे इसके लॉक लगते हैं। बिल्कुल प्रॉपर, आपको ये देख लो भाई, पूरी गाड़ी में ऐसे लग ही नहीं रहा कि इसके अंदर था ही नहीं, है ना। रिवर्स कैमरा था, चेक करना रह गया था, वो भी चेक करना जरूरी है। जैसे हमने रिवर्स लगाया, अरे सेंसर्स भी आपको शो कर रहे हैं। अच्छा, स्टीयरिंग घुमाओ। अच्छा, ये भी दिखाएगा विद ग्रिड लाइंस के साथ। वाह भाई वाह, पूरी लाइंस के साथ बताएगा। जो आ रहे थे वो तो आ ही रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो हमारे आ ही रहे हैं उसमें, यहाँ पे इंटीग्रेट। ठीक है ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज है। सेंसर्स पहले क्या है, यहाँ पे आगे दिखाता है और पीछे हमारा वहाँ पे दिखाता है, ठीक है, और पीछे जाखड़ को भी दिखाता है ये। तू ही था जो बार बार दरवाजा खोल रहा था, है ना, तू ही था बदमाश बच्चा। भाई इंटीरियर का चेंज तो आपने देख ही लिया गाड़ी में, लेकिन एक्सटीरियर का चेंज देखो ना, तो आप हो गया विक्रम भाई, स्वाद आ गया, मतलब मजा आ जाएगा आपको देख के। AMG के अलॉयज तो हमने पहले से डलवा रखे थे गाड़ी में, और अब हमने भाई फ्रंट से भी गाड़ी को AMG बना दिया। तो भाई इसकी जो फ्रंट ग्रिल है ना, वो हमने चेंज कर दिया। जो मर्सिडीज का लोगो है ये हमने वही रखा है, ये हमने चेंज नहीं किया, ये उसी वाली ग्रिल से हमने उतार लिया। ये वाला पार्ट अलग आता है, ये वाला जो क्रोम वाला पार्ट है भाई ये अलग आता है। एंड भाई कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को ये लुक कैसी लग रही है। अब भाई ऐसा है, ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम पे चाहे मारुति हो चाहे मर्सिडीज, मारुति से लेके मर्सिडीज भाई कोई भी गाड़ी आपके पास, हर गाड़ी एक्सेसरी भैया के पास अवेलेबल है। भाई टाइम देना पड़ता है, चीजें अरेंज हो जाती है। हाँ, एडवांस में आप बता दो तो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, तो आपको ना पहले बताना पड़ेगा हमारे को इस गाड़ी का ये सामान चाहिए, इसका ये चाहिए। जैसे स्क्रीन है, स्क्रीन भैया ये तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपने स्क्रीन मैंने अंदर देखी ली, आपको बता ही दिया कितने की है। अब भैया से एक बार पर्चा मंगवा लेते हैं कि कितना कुछ खर्चा बैठा है। हमने गाड़ी के अंदर मैट भी लगाए, इस गाड़ी के अंदर भाई अभी तक वही वाले मैट चल रहे थे, लेकिन अब गाड़ी के अंदर भाई हमने 70 मैट लगा दिए हैं। अभी ये ब्लैक कलर वाले हैं, वही कहूंगा ना कि भाई अगर आप बिना बताए चीज बदलोगे तो वो तो फिर ऐसे मिलेगी। कस्टमाइजेशन के लिए भाई आपको बताना पड़ेगा। बेजिस के मैट अभी हम बनवाएंगे, भैया को मैंने बोल दिया तो भैया वो बनवा देंगे। रही बात टेल लाइट्स की, टेल लाइट्स भी हमारे को चेंज करना था, पर टेल लाइट का भाई अभी हमारे को ऑप्शन रह गया थोड़ा सा, मतलब लाइट आ गई थी पर लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस थे,
तो वही चीज है, जो भी एक्सेसरी आपको चाहिए हो, मतलब ऐसी गाड़ियों की कि जो गाड़ी थोड़ा सा अब मार्केट में नहीं चल रही है। देखो रनिंग गाड़ी जो भी है या जो अभी चल रही है, ऐसा नहीं कि सामान नहीं मिलेगा, स्मॉल और मीडियम सेगमेंट का आपका सामान मिल जाता है। हाँ, ये हाई एंड का ये अरेंज किया जाता है, मतलब ऑर्डर पे। ऐसा नहीं होता ना कि भाई सामान मंगा के भैया रख ले, कब कस्टमर आएगा उसके लेगा। तो सबसे बेस्ट चीज यही है, आप आओ अपना बता दो कि भैया ये सामान हमारे को गाड़ी का चाहिए, तो वो सामान आपको गाड़ी का आराम से इजीली और बढ़िया रेट पे। अच्छा, मुझे व्हाट्सएप पे अपना पूरा गाड़ी का मॉडल नंबर, ठीक है, कौन सा ईयर है गाड़ी का, गाड़ी की फोटो फ्रंट और बैक राइट और लेफ्ट साइड से चारों तरफ से आपकी रिक्वायरमेंट है, बस तो मेरे जवाब देना बड़ा आसान है। बिल्कुल आसान है, तो मैंने वही था, गाड़ी का ईयर बता दिया, फोटो भेज दो और क्लियर बता दो कि मेरे को ये काम कराना है, तो वो सामान आपका रेडी मिल जाएगा। मेरा एंड्रॉइड चाहिए तो आगे फ्रंट की डैशबोर्ड की फोटो भेज दो। हाँ। और नीचे जो उसका वॉल्यूम वाला नॉब है उसकी फोटो वो भेज दो, तो उससे पता हो जाता है कि हाँ भाई ये वाला वेरिएंट है, ये वाले साल का है और उसमें ये वाला इसका ऑल्टरेशन लगेगा। भाई गाड़ी में काम तो करा लिया, पैसे भी तो देने हैं, अब मोटी गाड़ी है तो मोटा पैसा तो लगेगा ही, पर भाई जायज पैसे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया ऐसा नहीं कि गाड़ी देख के यूं मोटा बिल बना देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ऐसा करते हो भैया आप? बिल्कुल नहीं करते, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम आपको जो सामान दे रहे हैं वो प्रीमियम क्वालिटी का दे रहे हैं। भगवान के घर जाना भाई, आपको लोकल क्वालिटी से मत कंपेयर करो। ना 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 ना, आप ना क्वालिटी को जरूर ध्यान में रखो, अगर आप प्राइस देखते हो तो क्वालिटी भी देखो, अगर क्वालिटी डाउन होगी तो प्राइस भी कम होगा, क्वालिटी अच्छी होगी तो प्राइस वैसा ही होगा भाई उसका। एंड भाई सब ने भगवान के घर जाना है, ऐसे तो ना हम यार किसी को काटेंगे। तो बात कर लेते प्राइस की, तो भाई जो हमारा कैमरा लगा है उसके 2000 अलग से हैं, जो स्क्रीन लगी है हमारी इसके अंदर 4GB 64 वाली जो लगी है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर वाली लगी है उसकी 50,000 है। और बात करें गाड़ी के अंदर जो मैट लगे हैं वो लगे हैं भाई 4000 के। एंड एक चीज और भाई, इस गाड़ी के अंदर ना भाई अब लगी है ना USB वगैरह का जो कनेक्शन है, पहले नहीं था, पहले USB चार्जर था जरूर जो इसका कनेक्ट करता था iPod वाला ऑप्शन, लेकिन उससे चार स्पीड से होता नहीं। तो भाई मैंने लिया ये 43 वॉट का भाई मस्त वाली चार्ज होगी, इसको 12 वॉट में लगा दूंगा और फिर इसको USB चार्ज कर USB से लूंगा एंड टाइप सी चाहिए तो टाइप सी का लूंगा। और रही बात ग्रिल की, मेन लुक तो भाई गाड़ी की उसी ने चेंज किया, पूरा AMG बना दिया गाड़ी को। तो भाई जो ग्रिल हमारी विदाउट लोगो कंप्लीट सेटअप आया भाई हमारा, 2000 का नहीं है, 20,000 का है, तो भाई 20,000 की हमारी ग्रिल पड़ी है। तो ये सारा कंप्लीट टोटल आप मिला लेना, इतना हमारा आज का में खर्चा हुआ है। हाँ, खर्चा और ज्यादा हो जाता अगर हम इसमें टेल लाइट भी आज चेंज कराते, वो नेक्स्ट टाइम की लगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए। आपको भी अगर अपनी गाड़ी से लगाव ना भाई, तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना उसकी एक्सेसरीज ना चेंज करते रहा करो, आपका मन लगा रहा है अपनी गाड़ी के साथ, आपको जल्दी उसको बेचने का मन भी नहीं करेगा। अब ये बात है ना, बिल्कुल ना। और एक्सेसरीज भैया के पास आई, एड्रेस आपको पता भाई गूगल में डाल देना, ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम दुलजीज रोड करोलबाग, नंबर 9810020606। अपना नंबर और बोल दे भाई, 9311432244। ठीक है, इतना उदास है क्यों बोल रहा है, तेरी बहू बाज की, खैर अभी तो ब्याह भी ना हो इसका, होने वाला है क्या? होने वाला है, रिश्ता हो गया, चलो बधाई हो तेरे को, कांग्रेचुलेशंस। एंड बाकी भाई नंबर आपका यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा एंड आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल ही जाएगा। तो जी पहुंच गए घर एंड अब आपको यूजर इंटरफेस दिखाता हूँ इसका, ये देखो एप्पल कार प्ले पूरा कंप्लीटली, और देखो खिड़की खुल गई, आजा एकलव आजा एकलव है, इसकी तो ग्रिल भी चेंज हो गई, इतना बड़ी स्क्रीन है ना, अच्छी लग रही है ना, देखो इसके जो ग्रिल है ना वो AMG वाली में आती है मस्त। हां तो सेम वही है भाई, यहाँ से जैसे मतलब आपका कारप्ले होता है सेम वैसे ही है भाई, सारी चीजें इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सारी चीजें सेम है, लैगी नहीं है, ये सबसे अच्छी चीज लगी मेरे को इसमें कि लैगी नहीं है भाई। और भाई फ्रंट ग्रिल तो इसकी और भी जबरदस्त लग रही है, पूरी वाकई में ना AMG लग रही है, बस इसका फ्रंट बम्पर और AMG वाला हो जाए तो कोई बता ही नहीं सकता कि ये नॉर्मल ई क्लास है या AMG वाली है, बाकी वो ज्यादा थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, ये ऐसा लग रहा है। विराज कैसी लगी ग्रिल, अच्छी लगी विराज को? है ये क्या है आप बताओ, ये क्या है, ये कौन सा लोगो है? ओले भाई सारा पता है इन्हें तो, ये मसीज का लोगो है, हाँ सारा पता है भाई, ये दोनों ये क्या है, एक तो अभी तो बोल रहा है मसीज और कह रहा है ये क्या है। चलो जी करते हैं वीडियो, करने मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द मोमेंट टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।